बाहर कौन आने वाला वो बताओ, कोई है बाहर आने जैसा? अनिल जी, दो स्टॉक है जो बैन से बाहर आ सकते हैं। पहला नाम आता है एस्कॉर्ट्स का। यहाँ पर देखिए मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट जो है खटकर 76% हो गई है, 80% से कम आ गई है, तो पक्का है कि स्टॉक बैन से बाहर आएगा। इसके अलावा कनाडा बैंक, यहाँ पर भी नजर रखिएगा, 79% हो गई है फिलहाल मार्केट वाइड पोजिशन लिमिट। यानी दो स्टॉक है, कनाडा बैंक और एस्कॉर्ट, जो बैन से बाहर आएंगे। यार दो बार आएंगे आज, ठीक है, तो जगह भी बन रही है, एंट्री किसकी होगी? सन टीवी? अनिल जी बिल्कुल सही कहा आपने, सन टीवी है। 107% हो गई है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, तो सन टीवी तो निश्चित है इसका आना। 95% के मार्क को काफी ज्यादा क्रॉस कर दिया है। कैडिला हेल्थ केयर दूसरे नंबर पर आ 97% है, और सेल पर भी नजर रखेंगे। ये दोनों स्टॉक जो है कैडिला और सेल थोड़ा बॉर्डर लाइन के आसपास ही चल रहे हैं, 95% से ज्यादा ऊपर नहीं है, 97% है। तो कैडिला और सेल इनके आने की संभावना बन रही है, सन टीवी तो पक्का है। सन टीवी में 107% हो गई है पोजिशन, तो ये तो बैन में आना पक्का है। सेल और कैडिला ये शायद ना आए, आ भी सकते हैं, एकदम बॉर्डर पे हैं। आखिरी आधे घंटे में अगर पोजीशन कम होगी तो अलग बात है। अनिल जी देखिए बैन में जा रहा है तो एक रेजिस्टेंस है सामने। अब देखिए अनिल जी बैन में जाने के बाद तो आमतौर पर स्टॉक रुक जाता है, तो अनिल जी अगर अभी उन्हीं दाम के आसपास चल रहा है जहां पर हमने रेकमेंड किया था, तो अनिल जी अगर चाहें तो निकल भी सकते हैं स्टॉक। ओके, तो बिल्कुल ठीक बात है, बैन में स्टॉक जा रहा हो तो फिर थोड़ा अटक जाता है, रुक जाता है, थम जाता है, इसलिए अगर आप चाहें तो एक बार पोजीशन से निकल जाए। बैन में जाने के बाद क्या, अभी पहले तो क्या होता था, बैन में इंट्राडे में भी ट्रेड हो जाता था, अभी इंट्राडे में ट्रेड होता नहीं है।